लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा के चंबी मैदान को चुना है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रेस वार्ता में कहा कि चंबी मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 7 मार्च को होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, जिसमें हिमाचल में अध्यक्ष बनने के बाद में वो पहली बार आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में। तो ये रणनीति ये है कि जो चुनाव है, चुनाव का लक्ष्य 2019, तो उसके संबंध में वो हमें सबको संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को सलाह मशवरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को जो मन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और उनसे उत्साहित और प्रेरित होकर आगे चल के हम काम करेंगे। किस तरह का टारगेट रखा गया है, कितने करीब जो कार्यकर्ता हैं मौजूद रहने वाले? देखिए, हमारे यहाँ हम कोई लाभार्थियों को लाने वाला काम करते नहीं। पार्टी में हमारे ये कांग्रेस पार्टी है, हमारे हर कोई अपना अपना घर का काम समझ के काम पे लगा है। आपने देखा होगा हमारा कोई कॉन्टेस्ट MLA हो, MLA हो, यहाँ पे कार्यकर्ता हो हमारा बड़ा वाला, कोई भी छोटा बड़ा, सब मिलके हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है। मैंने बोला आप सब जितने भी लोगों को लेके आ सकते हैं गांधी जी का राहुल जी का संदेश सुनने के लिए, उनको लेके आइए और बहुत बड़ा आप ही वहाँ पे मौजूद होंगे, आप ही विटनेस करिए कि कितने लोग हमें आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ा आ रहा था कि 50,000 के करीब तो लोग रह सकते हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन भाजपा ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि 5,000 भी आ जाए तो गनीमत है। देखिए, उनको जो कहना है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग आ जाए और वो आएंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करना। मैडम, कौन से बड़े बड़े नेता जो हैं इस रैली में आ रहे हैं? आनंद शर्मा जी आएंगे, उनके साथ ऐसे लगता है क्योंकि आनंद शर्मा जी का खुद का भी स्टेट है। वीरभद्र सिंह जी को हमने आमंत्रित तो किया है, लेकिन वीरभद्र जी की यहाँ शादी है तो शायद वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी सब लीडर्स रहेंगे। टिकट आवंटन कब तक जो है? टिकट आवंटन हमारे, मुझे लगता है इस चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में 5-6 दिन में हो जाएगा। प्रियंका गांधी का घर भी हिमाचल में बना है और महासचिव वो नवनियुक्त हुई हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनकी रैलियां हिमाचल में करवाने का हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया है। जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई थी इंचार्जेस की और जनरल सेक्रेटरीज की, तो हमने बोला कि आपको हिमाचल आना जरूरी है क्योंकि आप खुद हिमाचल में, आपका घर है, तो आपका घर है इसलिए आपको आना है। तो मुझे लगता है वो आएगी, एक हाथ सभा हमारे साथ करेगी। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।